सब, आज बहुत दिन के बाद डेली ब्लॉग वाला ब्लॉग बना रही हूँ। अभी कुछ दिनों से कुछ चैलेंजेस वगैरह ये सब चीज़ें चल रही थी, क्योंकि घर पे काम भी चल रहा था ना, लाइक पेंट का काम, कभी कुछ, मतलब एक बार मैं सारा तो नहीं किया हूँ, एक एक करके ही कर रही हूँ। बट हाँ, लेकिन जब वो कर रहे होते हैं तो घर इतना बिखरा हुआ होता है, उसको समेटो, बच्चों को देखो, बच्चों की पढ़ाई, घर, खाना, सबको। हाँ, कल सोचा था कि व्लॉग बनाऊं, बट कल नहीं बना पाई। रीज़न वाइज आंटी भी नहीं आई थी कल मॉर्निंग में, ऑल ऑफ सडन पता चला कि आंटी नहीं आएंगी। आंटी का कॉल आया, आंटी नहीं आ रही थी, तब क्या था, सब कुछ सॉर्टेड था। रात को आपको किचन पूरा क्लीन करके सोना है, पूरा क्लीन मतलब प्लेटफॉर्म क्लीन किया, बर्तन धो लिए, जगह पे लगा दिए, सब काम कर लिए। तो सुबह जब आप उठो तो जब क्लीन किचन मिलता है तो जो दीची वाली फीलिंग आती है, रिमाइंडर करते हो तो चलो कुछ नहीं करना, सीधे ब्रेकफास्ट बनाना। बट अभी वो चीज़ नहीं रही। और लेकिन हाँ, उसका एक फ़ायदा भी है, चलो आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो, है ना, तो उसकी वजह से कल नहीं कर पाई, क्योंकि कल काम बहुत ज़्यादा थे। बट आज सोचा कि ठीक है, लेकिन आज सुबह भी क्या कि फटाफट वो क्लास ना ब्रेकफास्ट किया, क्लास में लग गई, ये किया वो किया। अभी अब फ्री हुई हूँ, 1 o'clock हो रहा है, तो अभी मैं फटाफट पहले खाना बनाऊँगी, फिर आज हमें तो शॉपिंग पे जाना है, लाइट्स वगैरह और कुछ चीज़ें लेनी है तो वो लेने जाएंगे। कारपेंटर को भी बुलाया है, कुछ एक मेरे को स्ट्रेचेबल टाइप का कुछ बनवाना है, तो वो बोर्ड वगैरह रखे हैं तो उसको दे देंगे, वो अपने घर पर ही बना के लाएगा, जस्ट आके मेजरमेंट ले जाएगा, दैट्स इट। डिज़ाइन वगैरह सब सोचा हुआ है कि क्या कैसे बनवाना है, ताकि स्पेस बने। मुझे थोड़ा सा ना मतलब वैसा वाला फर्नीचर अब घर पे चाहिए जो स्पेस कम करे, जैसे आपको यूज़ है तब आप निकालो, यूज़ करो और उसके बाद आप उसको वापस से बंद कर दो और फिक्स रहे, वो अपनी जगह पर फिक्स रहे, क्योंकि मूवेबल तो रख नहीं सकते। नहीं तो मेरी बेटी जैसे चेयर को लेके इधर उधर घूमती है, वो उसको लेके पूरे टाइम घूमेंगे। सो बस यही सब है। तो चावल तो बन चुके, आटा लगा हुआ है, सुबह लगाया था पराठों के लिए। आज मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी, सब लोग जानते हैं, सबको आती है, बट चलो बना रही हूँ तो रेसिपी शेयर करने में कोई बुराई तो है नहीं। अगर आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपी, अच्छी लगे तो मेरी वाली रेसिपी ट्राई कर लेना, और अगर ट्राई करो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताना कि कैसी बनी है। इन सब के बीच में एक गुड न्यूज़ भी है मेरे पास, मम्मी फाइनली आ रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी। 14 को मम्मी आ रहे हैं, और तो मम्मी आएंगे रांची से दिल्ली, तो रवि को यहाँ से जाना होगा दिल्ली, एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नाउ आई कैन हैंडल द 2 लिटिल मॉन्स्टर्स। सो बट एक्साइटमेंट और खुशी इस बात की है कि फाइनली मम्मी आ रहे हैं, लाइक 8 months, इट्स अ बिग 8 months। मतलब 8 साल की शादी में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मम्मी से इतने दिन तक दूर रहे हैं। लाइक 2 महीने तो ठीक है, मम्मी अमेरिका जाते थे तो 2 महीने, 2.5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं मम्मी से, मैं, रवि, हम लोग सब इतना दूर रहे हैं। रवि तो 37 ईयर्स में, ही इज़ 37, स्टार्ट हुआ उसका इस साल, 37 में पहली बार अपनी मम्मी से इतना दूर रहा है। कैन यू बिलीव इट, मतलब उसके लिए कितना मुश्किल होगा, बट ठीक है, कभी कभी हो जाता है। बहुत लोग होंगे ना वो सोचते होंगे कि सांस नहीं है तो चलो कोई आने, आपके घर में बड़े होते हैं ना तभी आपको घर घर लगता है, बिना बड़ों के घर घर नहीं लगता। मम्मी पापा कितने इम्पोर्टेंट हैं, पापा तो नहीं है हमारे बीच, मैं बहुत मिस करती हूँ पापा के प्रेजेंस को, कि आई विश मैं, और अभी बहुत बार बात करते हैं अकेले में होते हैं तब, कि आई विश पापा होते तो लाइफ कुछ अलग होती। बट ठीक है, यू हैव टू गो विद द फ्लो, लाइफ है, जो आया है वो जाएगा, यू कांट डू एनीथिंग। बट मम्मी आ रहे हैं, इससे बड़ी एक्साइटमेंट कुछ नहीं हो सकती हाल फिलहाल। तो बच्चों को बताया नहीं है, क्योंकि उनके लिए हमें सरप्राइज रखना है कि मम्मी आएंगी तो उनके लिए वो सरप्राइज होगा। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू वर्क, फटाफट पनीर भुर्जी बनाती हूँ। सो मैं किचन में आ गई और सब्जियाँ मैंने निकाल ली है, अभी भी चॉप करना है। सबसे पहले हम हमारा पैन गरम कर लेंगे, और जब पैन मेरा गरम हो रहा है इसमें मैं डालूँगी ऑयल और घी दोनों। तो मैं इसमें
टू टेबल स्पून के अराउंड ऑयल डाल रही हूँ और हाफ अ टी स्पून अराउंड घी जब ये गर्म हो जाए फिर हम इसमें हमारी सब्जियां डालेंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका, अदरक घर पर नहीं है तो बिना अदरक के भुर्जी बन रही है। हरी मिर्च प्याज इन्हें मैं सबसे पहले डालूंगी और इन्हें मैं अच्छे से भून लूंगी। ये नहीं है कि प्याज को मुझे बहुत ज्यादा मतलब लाइक पूरा सॉफ्ट करना है, नहीं, जस्ट प्याज की फ्रेग्रेंस खत्म हो जाए उतना मैं इसे भूनूंगी, उससे ज्यादा नहीं, जस्ट कि प्याज की फ्रेग्रेंस खत्म हो जाए और प्याज थोड़ा जूसी हो जाए। एक दो मिनट, एक मिनट के अप्रॉक्स ये भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सॉफ्ट सॉल्ट डालूंगी ताकि ये और जल्दी से पक जाए जैसा मुझे चाहिए वैसा। ये मेरा प्याज भुन चुका है, मैं इसमें पहले अपने कैप्सिकम और बीटरूट को डाल देती हूँ। इन्हें भी मैंने एकदम फाइनली चॉप कर लिया है और अभी यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी ताकि ये सारी सब्जियां पक जाए। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने अभी इसमें 1 टीस्पून अराउंड सॉल्ट डाला है और गैस को मैं मीडियम हाई पे कर लो टू मीडियम पर रखूंगी। अब मैं एक दही का मिक्सचर रेडी करूंगी जिसके लिए मैं 1 टेबलस्पून अराउंड दही लूंगी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, जस्ट थोड़ी सी लाल मिर्च ताकि हल्दी का कलर अच्छा आए, थोड़ी सी हींग, एकदम जरा सा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमें अनियन वगैरह भुनने में डालना है तो इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी, और थोड़ा सा किचन किंग मसाला, आप गरम मसाला भी डाल सकते हो या अपनी चॉइस का मसाला डाल सकते हो। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमारी सब्जियां पक चुकी है, भुन गई है अच्छे से, मैं उसमें इसे डाल दूंगी। अब इस मैरिनेशन को मैं प्याज शिमला मिर्च और बीटरूट के मिक्सचर में डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले और दही वगैरह सब कुछ इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दही डालने से ना पनीर भुर्जी में एक अलग सी खटास आ जाती है जो खटास पनीर भुर्जी को और भी यमी और टेस्टी बना देती है। ये हमारी सब्जियां पक चुकी है, दही की मैरिनेशन भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर अपना पनीर ग्रेट किया हुआ इसमें डाल दूंगी। इसी बाउल में डालने का कारण था कि इसमें अगर जो दही का मेरा लगा हुआ था वो भी सारा मेरे सब्जी में चला जाएगा, इसलिए। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक टमाटर नहीं डाली, टमाटर मैं सबसे लास्ट में डालूंगी क्योंकि टमाटर अगर मैं पहले डाल देती तो वो पूरी सौगी हो जाती और अच्छी नहीं लगती। मैंने सीड्स निकाल कर टमाटर को काटा है और उसे लास्ट में डालूंगी तो टमाटर खड़ी खड़ी रहेगी और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो जब ये सब्जियां मेरे यहाँ पनीर भी मेरा एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा इसमें तब मैं इसमें अपना टमाटर डालूंगी। हमें पनीर को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है अदरवाइज पनीर हार्ड हो जाएगा, हमें पनीर को सॉफ्ट रखने के लिए उसे कम पकाना है, जस्ट मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, दैट्स इट। इस स्टेज पर आप पहले एक बार अपना सॉल्ट चेक कर लीजिए और बस अब मैं अपना टमाटर भी इसमें डाल दूंगी। ये जब खड़े खड़े रहेंगे तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और बीटरूट के कारण इसमें एक अलग सा रेडिश कलर आ गया है जो मुझे बहुत पसंद है और इस बहाने बीटरूट भी खाई जाती है, दैट्स इट। एक बार मैंने गैस फुल कर दिया है और ये मेरा
पनीर भुर्जी ऑलमोस्ट डन। गैस बंद कर दी और धनिया डाल दिया मैंने इसमें और इसे अच्छे से बस मिक्स कर मैं मेरे सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। जब आपको ज़्यादा कुछ करने का मन ना करे तो आप पनीर भुर्जी बनाएं। जितनी दिखने में डिलीशियस लग रही है ये खाने में भी बहुत डिलीशियस है। प्लीज डू ट्राई दिस। सो खाना वाना बन चुका था, रवि के काम हो चुके थे, उसका जो काम था आज वाला हो चुका था, तो वो फ्री था तो उसने कहा कि मार्केट जाना है तो अभी चलते हैं क्योंकि कारपेंटर शाम को आएगा। तो हमने सोचा कि खाना वाना खाते ना तो बहुत लेट हो जाता और फिर निकलने में टाइम लग जाता, फिर वो शाम का टाइम, फिर कारपेंटर आता, फिर रात हो जाती, आधे काम होते ही नहीं होते। तो हम लोग फाइनली निकल गए। एक रूम बाकी है बस कलर करना, तो उसके लिए कलर्स लिए, पिगमेंट्स वगैरह जो लेने थे वो लिए, और जो थोड़े बहुत जो काम है, कुछ लाइट्स वगैरह लेनी है, कुछ और सामान लेने हैं तो वो सब लेंगे, और छोटे मोटे काम है वो सारे काम करेंगे। और ये हमारे बच्चे भी आज हमारे साथ हैं, इन्होंने देखो कितनी गलत बात है मास्क नहीं पहना है, अब बोलेंगे कि मम्मा ने भी नहीं पहना है। लेकिन इन्हें सिखाना जरूरी है कि अभी के लिए ये मास्क हमारी लाइफलाइन है, अगर घर से बाहर जाओगे तो मास्क इम्पोर्टेंट है। हम तो ध्यान रखते हैं लेकिन इनको ये भूल जाते हैं, तो टाइम टू टाइम इनको याद दिलाना बहुत जरूरी है। सो इसलिए रेडी मास्क पहन के फाइनली लाइट्स ले ली। एक बहुत डिफिकल्ट काम था, मुझे आज पता चला कि लाइट्स लेना भी इतना डिफिकल्ट काम हो सकता है। मुझे तो लगा जाएंगे लाइट लेंगे लेके आ जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, एक घंटे से भी ऊपर हो गया और सिर्फ वो दो लाइट ली है उसमें इतना टाइम लगा। कंफ्यूज्ड, ये लू वो लू वो लू क्या लू, इतने सारे डिजाइन, और मतलब आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी इतना सुंदर है, वो भी इतना सुंदर है, वो भी सुंदर। बट सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम क्या, लाइट्स लेने में, फर्नीचर कैसा है, कलर कैसा है, इंटीरियर कैसा है, कैसा लगाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मतलब सब चीज देखो, उसके बाद ही आप कुछ एक फाइनल कर पाओगे। ये लाइट वाइट का काम हो गया, ऑलमोस्ट सारे काम हो गए, बस एक है ना वो जी वो उसको फिल्म आती है ना एक फिगर वाली, उसको क्या कहते हैं, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, जो आप अंदर से बाहर तो देख सकते हो लेकिन बाहर से अंदर का कोई नहीं देख सकता, वो वाली फिल्म्स बनानी है बाथरूम में ना, वो एग्जॉस्ट फैन के नीचे जो ग्लास वाला विंडो होता है ना वो है, तो उनमें लगाने के लिए। तो बस मेरे ख्याल से अब वही एक काम बाकी रहा है, वो वाला काम करेंगे फटाफट घर जाएंगे, अब बहुत जोर से भूख लग रही है। सो वी आर बैक टू होम, लेट हो गया, कारपेंटर अभी तक नहीं आया, सोचा था आ जाएगा, कॉल तो किया दोबारा किया लेकिन उसने पिक नहीं किया, कहीं और काम कर रहा है, डोंट नो कब तक आएगा। और ना ही हमारा वो इलेक्ट्रिशियन आया, वो तो मतलब उसको चार बार जब तक ना बुलाओ तब तक तो वो आएगा ही नहीं, और आए तब तक शाम हो गई। तो अब जो भुर्जी राइस और चपाती वगैरह जो है वो डिनर में खाएंगे, अभी हमने चाय बना ली और चाय के साथ पोहे बना दी। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना मैं बता नहीं सकती, इतना टायरिंग होता है बाहर जाना। और ये देखो शूट करते टाइम मुझे दिख रहा है कि पीछे टीवी पैनल के ऊपर में कॉलिन की बॉटल रखी है। हमारे घर में ऐसी अतरंगी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी आप बिलीव नहीं करोगे, ये बच्चों से चीज़ों को छुपाते छुपाते हम कहाँ कहाँ चीज़ें रखते हैं, फिर हम रख के भूल जाते हैं कि हमें वहाँ से उठानी भी है। पहले खा लो फिर अपना सामान वामान सेट करूँगी, लाइट्स वगैरह ले आई वो। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, आज कुछ खास तो किया नहीं, सोचा हुआ तो बहुत कुछ था लेकिन किया नहीं। लाइट्स वगैरह वो लगा देता है उसके बाद दिखाती हूँ, उससे पहले तो दिखाने का कोई मतलब नहीं है, पता भी नहीं चलेगा, फील भी नहीं आएगा, है ना। तो वो लगा दे उसके बाद दिखाती हूँ कैसी लेके आई हूँ और लगाने के बाद कैसी लग रही है। होप आप सबको अच्छा लगा हो आज का व्लॉग, पनीर भुर्जी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू ट्राई इट। बीटरूट ज़्यादातर लोग नहीं डालते हैं,
मैं बीटरूट डालती हूँ और बीटरूट बहुत अच्छा लगता है और कलर भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, लेकिन अगर आप गरम गरम खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हमारी तो ठंडी हो गई, वापस उसको गरम करके खाऊंगी तो उतना मज़ा तो नहीं आएगा अब, बट ठीक है, टेस्ट तो अच्छा ही है। एनीवेज चलो इसी के साथ एंड करती हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज वेल।